नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्मी पिंडे, इंटरनेशनल योग टीचर। आज हम 5 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारा पूरा बॉडी यूज हो जाएगा। आप एज अ वार्म अप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई भी एज ग्रुप इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें हेड टू टो पूरा बॉडी यूज होगा, यानी जो बॉडी पार्ट्स मूवमेंट कर सकता है, एग्जाम्पल एंकल, नी, बैली, शोल्डर, रिस्ट एंड नेक, ये सारे पार्ट्स हम यूज करेंगे। एवरी डे आप कभी भी इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एंकल। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड अप तक, यानी नेक रोटेशन तक आएंगे। सो इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप एंड बोथ हैंड्स लॉक। एल्बो स्ट्रेट करने का ट्राई करना है, नॉर्मल ब्रीथ रखना है। अगर आप चाहो तो दोनों हाथ से बॉल पे रखिए एंड बॉल का सपोर्ट लेके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप, both hands lock, normal breath, and now heels up, inhale and exhale करके जाना है। normal breath में hold करना है जिससे आप hold कर सको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, normal breath and come back। आप wall का support लेके भी practice कर सकते हो। दोनों चेस्ट आउट, हिप्स आउट, स्टमक इन, दोनों लेग शोल्डर के हिसाब से ब्रॉड, दोनों हाथ वॉल पे रखो एंड हिल्स अप करो। स्टार्टिंग में हो सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड से होल्ड कर पा रहे हो, तो आप 2-3 सेट में कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे होल्डिंग इम्प्रूव कीजिए। नाउ सेकंड इज नी। सो दोनों लेग्स शोल्डर जितने ही ब्रॉड रखने, दोनों हाथ नीज पे रखिए। यानी जब आप दोनों हाथ नीज पे रख रहे हो तो आपकी हिप्स आउट जाएगी, बैली थाइस पे टच होगा और दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। So hips out, दोनों हाथ knees पे and knees round घुमानी है। सामने की साइड देखना है, नीचे भी नहीं देखना है, ऊपर भी नहीं, सामने। 1, 2, 3, 4, 5 Now anti-clockwise, 5, 5, 4, 3, 2 एंड वन। इससे हमारी नी की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, एंकल एक्सरसाइज की हील्स अप डाउन, सो एंकल की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, नीज भी पेन है तो इसमें आराम मिलता है। सो यस, आप इसकी रेगुलर 5-5 times स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 आप 10-15 times के 2-3 सेट भी कर सकते हो। नाउ बैली, दोनों लेग्स ब्रॉड, दोनों हाथ साइड में, या तो फिर आप लोअर बैक पे रख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। दोनों लेग्स ब्रॉड, जितने में आप कंफर्टेबल हो। इनहेल एंड एक्सहेल, बैली शेक करना है। सो फर्स्ट राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, कंटिन्यू। 3, 4, and 5 एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, 2, 3, 4, and 5 नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। आप इसको 10-15 times कर सकते हो। लोअर बैक में भी आराम मिलेगा, स्टिफनेस भी कम होगी और आप लाइट फील करोगे। नाउ इनहेल एक्सहेल एंड स्टार्ट विथ शोल्डर्स। सो अभी तो दोनों हाथ शोल्डर पे रख सकते हैं या दोनों हाथ बाजू में रखिए। इनहेल एंड शोल्डर अप, एक्सहेल एंड शोल्डर डाउन। 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 5, 4, 3, 2 एंड वन। आप इसको 2-3 सेट में भी कर सकते हो एंड नॉर्मल ब्रीथ रखना है जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप दोनों हाथ शोल्डर में रख के भी इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो। सो हो गए शोल्डर। नाउ एल्बो, जहां से बैंड हो रही है बॉडी, वो सारे पार्ट्स यूज कर रहे हैं। तो दोनों हैंड्स अप करके दोनों अपोजिट शोल्डर में जस्ट नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड कीजिए एंड देन इनहेल एक्सहेल वापस आएंगे। नाउ राइट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड, एंड दोनों हाथ होल्ड करने का ट्राई कीजिए। सेम प्रैक्टिस बोथ दी साइड।
जैसे हम आगे नमस्कार मुद्रा करते हैं वैसे ही हमें बैक साइड नमस्कार मुद्रा करनी है. इनहेल एक्सहेल और ट्राई करना है हर एक में 5-5-10 सेकेंड्स आप होल्ड कर सको. नॉर्मल ब्रीथ, दोनों हाथ सामने एंड नाउ रिस्ट. सो दोनों हाथ सामने, बॉडी स्ट्रेट एंड रिस्ट राउंड. 1, 2, 3, 4, 5 एंड डी क्लॉक. 5, 4, 3, 2, 1. आप 10-15 टाइम्स भी कर सकते हो जिससे हमारी रिस्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो. आगे जाके हम बैलेंसिंग आसनास इजीली कर सकते. नाउ नेक. सो दोनों हाथ पीछे लॉक करना है. चेस्ट ओपन, लेग्स टुगेदर एंड इनहेल एंड चिन अप. एक्सहेल एंड चिन डाउन. इनहेल एंड चिन अप. एक्सहेल एंड चिन डाउन. इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. नाउ योर फेस राइट लेफ्ट. उसमें नेक ही अप एंड डाउन होना चाहिए. चीन एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है और ज्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं लाना है. जब आप राइट एंड लेफ्ट करो सेम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेच नहीं करना है. आराम से इजीली एंड नॉर्मल ब्रीथ में करना है. देन आप 3 times क्लॉकवाइज नेक रोटेशन एंड 3 times एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशन कर सकते हो. ये बेसिक इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर आप अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हो. So yes, keep doing yoga, stay happy and healthy. See you tomorrow.